नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मैदान फिल्म का जितना मैं इंतजार कर रहा हूँ उतना आप भी कर रहे होंगे। 4 साल हो गए आखिर 2018 या 19 में इसको रिलीज किया जाने वाला था, बाद में बोले 2020 में करेंगे, फिर बोले 2021 में कर देंगे, फिर बोले नहीं 2022 में करेंगे, फिर खबरें आएगी फिल्म डिब्बा बंद हो गई या फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन बाद में बोनी कपूर सर सामने आए, उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं फिल्म को रिलीज, हम तो थोड़ा सा काम बाकी रह गया VFX वगैरह का, तो उसको कंप्लीट करके कर देंगे रिलीज, ऐसी खबरें आई। फिर 2023 में फिर से कहा कि इतनी फरवरी को कर रहे हैं, फिर बोले कि नहीं फरवरी में नहीं करेंगे, मई में कर देंगे, फिर बोले नहीं मई में भी नहीं हम तो अगस्त में करेंगे, फिर अगस्त में नहीं बोल करके बोले कि हम दिसंबर में करेंगे, ऐसे कर करके फिर 2023 भी निकल गया। फिर उन्होंने कहा बोला कि टाइम कर रहे थे एक बार मार्च में 2023 में, फिर बोला कि अभी बोला फिल्म आ रही तो अभी नहीं करेंगे, 2 महीने बाद में करेंगे, फिर भी नहीं किया। मतलब कि 10 बार से ज्यादा इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई। लोगों ने सिर पकड़ लिया अजय देवगन सर के, पर्सन को नाराज हो गए बोनी कपूर से। अजय देवगन भी मतभेद सामने आए बोनी कपूर से कि आखिर क्या हो रहा है, ये फिल्म क्यों रिलीज नहीं कर रहे है। तो आखिरकार 4-5 साल के इंतजार के बाद में आखिरकार अब कन्फर्म हो गया कि फिल्म रिलीज हो रही है। अब इसलिए कन्फर्म हो गया है कि इसका ट्रेलर का मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको, कि ट्रेलर का कन्फर्म डेट दे रहा हूँ कि इस दिन ट्रेलर आ रहा है और फिल्म ईद के अवसर पर रिलीज हो रही है, जहाँ पे अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ से फिल्म टक्कर लेगी। तो अब कन्फर्म है क्योंकि बोनी कपूर सर ने ट्रेलर दिखाया भी है, कुछ क्रिटिक्स को ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 2 मिनट 46 सेकंड का ट्रेलर है। इसके अलावा साथ भी दोस्तों इन्होंने ये जो फिल्म है वो भी दिखा दी है कुछ लोगों को, कुछ बड़े ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को, और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी कि रिव्यूज फैंटास्टिक है, फिल्म बहुत बेहतरीन बनी है। 1952 टू 1962 के दौरान जिस समय भारतीय फुटबॉल टीम का स्वर्णिम दौर था, बहुत बड़ी टीम थी, बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी, उस समय की कहानी है। उस समय के जो कोच थे फुटबॉल टीम के सैयद अब्दुल रहीम, जिसका रोल अजय देवगन सर प्ले कर रहे हैं, तो उनकी कहानी है। काफ़ी अच्छी फिल्म होने वाली है, साथ में इमोशनल भी होगा और काफ़ी एक्साइटमेंट भी देखने को मिलेगा आपको, और फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी फिल्म होगी। तो कोलकाता वगैरह जहाँ केरल वगैरह यहाँ पर भी ये फिल्म काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी। हिंदी तमिल तेलुगु कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी, पैन इंडिया मूवी है। बोनी कपूर फिल्म को प्रोड्यूस किया है और दोस्तों अमित शर्मा ने शायद फिल्म को डायरेक्ट किया है, प्रियामणि अजय देवगन सर के साथ में, और गजराज राव भी प्रमुख भूमिका में है, तो बड़ा मजा आएगा इस फिल्म का। हाँ, तो अब आप बोलेंगे कि ट्रेलर के बारे में नहीं बताया, तो ट्रेलर के बारे में बता देता हूँ आपको कि लगभग कन्फर्म, लगभग क्या 99% कन्फर्म रिपोर्ट है कि 7 तारीख को इसका ट्रेलर आ रहा है। 7 तारीख को एक बड़ी इवेंट होगी और परसों 5 तारीख आज, तो परसों इसका ट्रेलर आ जाएगा एक बड़ी इवेंट के बाद में, ट्रेलर का एक लॉन्च कर दिया जाएगा। और 8 तारीख को जो अजय देवगन सर की अन्य मूवी है शैतान, उसके साथ थिएटर्स में भी इसका ट्रेलर आप देख सकते हैं। अभी तक खबर यही है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेकर्स ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन बहुत ही बड़ी वेबसाइट, बहुत ही बड़े प्रिंट मीडिया की तरफ से, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से रिपोर्ट है, तो इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज या कल मेकर्स भी इसकी मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देंगे कि ट्रेलर इतनी बजे इतनी तारीख को आ रहा है, 7 तारीख को आ रहा है, कितने बजे आएगा ये अभी कन्फर्म नहीं है। एक बड़ी इवेंट होगी तो लेट ही आएगा ट्रेलर, और उसके बाद में हंगामा शुरू हो जाएगा क्योंकि लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म का, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर भी जल्दी आने वाला है, लेकिन उसका अभी कन्फर्मेशन रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। तो मज़ा जरूर आएगा इन दोनों फिल्मों को क्लेश देखने में, हालांकि नुकसान दोनों को होना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।